नमस्कार मित्रों, आज हम योकनविन बुक को समरी के माध्यम से समझेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता काफी महत्व रखती है, जिसे पाने की खातिर मनुष्य हर संभव कोशिश करता है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफल लोगों के पीछे के रहस्य को समझना जरूरी है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक शिव खेड़ा की पुस्तक योकनविन जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, जिसमें जीवन के सफल सूत्रों के बारे में बड़े ही रोचक तरीके से वर्णन किया गया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस पुस्तक के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं मशहूर लेखक शिव खेड़ा के बारे में, जिन्हें इस विश्व प्रसिद्ध किताब को लिखने का श्रेय दिया जाता है। 1961 में झारखंड के धनबाद में 23 अगस्त को शिव खेड़ा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हालांकि इनका बचपन काफी संघर्षों में व्यतीत हुआ, लेकिन किसे मालूम था कि जो बालक स्वयं 10वीं की कक्षा में फेल हुआ हो, वह आगे चलकर लोगों को सफलता के मूल मंत्र बतलाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने 30 साल के करियर में 16 किताबों की रचना की है, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि इन्हें योकनविन से मिली, जिसकी 32 लाख से ज्यादा प्रतियां 21 अलग अलग भाषाओं में अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक चुकी हैं। इसके अलावा वे एक मशहूर लेखक होने के साथ साथ सफल उद्यमी, मोटिवेशनल स्पीकर और एक शिक्षक के तौर पर भी जाने जाते हैं। और इनकी योकनविन पुस्तक मूल रूप से इनके स्वयं के अनुभवों पर आधारित है और हर व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसरित करती है। किताब में लेखक ने जीवन में सफल होने के लिए जिन 8 तथ्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, वह इस प्रकार है। पहला, हमें सदैव सकारात्मक विचारों पर गौर करना चाहिए। दूसरा, हमें किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए, आज ही उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, हमें सदैव कृतज्ञता का रवैया अपनाना चाहिए, चाहे हमारे पास दुनिया की धन दौलत ना हो, लेकिन जो है उसके लिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। चौथा, हमें स्वयं को सही शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। पांचवा, हमारे दिल में सदैव आत्मसम्मान का भाव होना चाहिए, ताकि अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकें। इसके अलावा हमें खुद को सदैव नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ताकतें जीवन में ऊर्जा का नाश करती हैं। साथ ही जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमें उन्हें करने से कभी परहेज नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपनी सुबह की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करना चाहिए। ऐसा करने से आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता है। योकनविन बुक लोगों को प्रेरित करता है और चीज़ों को अपने दैनिक जीवन से ही लेता है और उन्हें सकारात्मक जोर में बदल देता है। ये पुस्तक उन लोगों के लिए है जो संतुलित व्यक्तित्व का अनुसरण करते हैं और जो सकारात्मकता के साथ सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं। स्व सहायता पुस्तक को पढ़ना आसान है। अधिक विवरण में समझने के लिए आइए योकनविन समरी से शुरू करें। अध्याय एक, एक सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण। इस अध्याय में लेखक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करते हैं जो मेले में अलग अलग रंग के गुब्बारे बेचता था। जब भी उसका व्यवसाय मंदा हो जाता था तो उस स्थिति से निपटने के लिए वह एक गुब्बारे को हवा में उड़ा देता था, इसलिए कि जब बच्चे उस गुब्बारे को हवा में देखे तो उन्हें खरीदने का मन करे। इस तकनीक से उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती थी। एक दिन जब वह अपना गुब्बारा बेच रहा था तो एक लड़का उसके पास आया और उससे पूछा, यदि आप एक काला गुब्बारा उड़ाओगे क्या वह भी उड़ जाएगा? उस लड़के की सोच से वह गुब्बारा बेचने वाला पिघल गया और सहानुभूतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा ये गुब्बारे का रंग नहीं है, जो इसे ऊपर की ओर ले जाता है वो इसके अंदर है। इस कहानी से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि गुब्बारे वाले की यह उक्ति हमारे जीवन में भी लागू होती है, जो अंदर है वही आगे ले जाती है। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर जो चीज़ हमें ऊपर उठाती है वो है हमारा दृष्टिकोण। लेखक का कहना है कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग संगठन या व्यवसाय या देश दूसरों की तुलना में अधिक सफल हैं? लेखक का कहना है कि इसका कारण बहुत सरल है। लोग सफल हो जाते हैं क्योंकि वे केवल उस सोच के बारे में प्रभावी ढंग से सोचते हैं और कार्य करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक दिन जब उन्होंने दो अधिकारियों से एक प्रश्न पूछा कि यदि उनके पास जादू की छड़ी होगी तो वे क्या करेंगे, उस छड़ी से क्या मांगेंगे, क्या वे लाभ या बड़ी सफलता मांगेंगे, उन अधिकारियों के उत्तर को सुनकर वे वास्तव में बहुत प्रभावित हुए। उत्तर था कि लोगों का रवैया बेहतर होना चाहिए, वे बेहतर रवैया मांगेंगे क्योंकि बेहतर और सर्वोत्तम व्यवहार व्यक्ति को अच्छा और सफल व्यक्ति बना सकता है। लेखक का कहना है कि लोगों का नजरिया सफलता में योगदान देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार उनका कहना है कि 85% लोगों को उनके रवैये के कारण नौकरी मिलती है और केवल 15% लोगों को ही नौकरी मिलती है क्योंकि वे स्मार्ट या बुद्धिमान हैं। अध्याय दो, हीरों का एकर।
इस अध्याय में लेखक ने एक किसान का उदाहरण लेकर यह समझाया है कि एक किसान जो कि अफ्रीका में रहता था, वह अपने जीवन से काफी संतुष्ट था। लेकिन एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उस किसान को हीरे की महत्ता बताई कि यदि उसके पास हीरे की अंगूठी होगी तो वह शहर का मालिक बन जाएगा और कई सारे हीरे होंगे तो वह एक पूरे देश पर राज कर सकता है। जिसके चलते वह किसान काफी परेशान रहने लगा और हीरे की खोज में इधर उधर भटकता रहा। हीरे के लालच में उसके पास जो भी जमीन और पैसा था उसने वह सब बेच दिया और वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, इतना कि एक दिन हताश होकर उसने आत्महत्या कर ली। और जिस दूसरे व्यक्ति को उसने खेत बेचा था उसे उस खेत में एक चमकदार पत्थर मिला। और जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस नए मालिक से पुराने के विषय में पूछा तो उसने बताया उसने ये खेत खरीद लिया है। तब जाकर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने खेत का सही विश्लेषण कर नए किसान को बताया कि यह खेत हीरों के एकड़ से भरा पड़ा है। जिसके माध्यम से लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि प्रकृति सबको अवसर देती है, बस अवसर की तलाश करनी आनी चाहिए। इसके अलावा लेखक ने पुस्तक में व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारकों वातावरण, अनुभव और शिक्षा पर भी विस्तार से चर्चा की है। इस प्रकार लेखक ने जीवन में सफल होने के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या की है। लेखक ने हमें इस कहानी के 5 नैतिक सिद्धांतों को खोजने के लिए कहा है। 1, जब हमारा दृष्टिकोण सही होता है तो हमें पता चलता है कि हम सभी एकर और एकर हीरों पर चल रहे हैं। 2, दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी दिखती है। 3, लेखक का कहना है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति को दूसरी तरफ की घास पसंद है, मतलब जब आप किसी और की घास पसंद करते हैं तो किसी और को भी किसी और की घास अच्छी लगती है। 4, लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति अवसर को पहचानना नहीं जानता तो जब वह दस्तक देता है तो शोर की शिकायत करता है। 5, एक ही अवसर कभी भी 2 बार दस्तक नहीं देता, अगला अवसर अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। अध्याय 3, हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले कारक। मुख्य रूप से हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, अनुभव और शिक्षा। पर्यावरण के तहत घर, स्कूल, कार्य, मीडिया, संस्कृति, धर्म, परंपरा, सामाजिक वातावरण और राजनीतिक वातावरण आता है। लेखक का कहना है कि लोगों के साथ हमारे अनुभव और हमारे जीवन की घटनाओं के अनुसार हमारा व्यवहार बदल जाता है। अगर हम लोगों के साथ सकारात्मक अनुभव रखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो जाता है। यहाँ लेखक औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। यहाँ लेखक केवल शैक्षणिक योग्यता या डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ लेखक ज्ञान की बात कर रहे हैं जो नॉलेज देता है और सफलता सुनिश्चित करता है। तो ये थी योकन विन बुक की समरी, आशा है आपको पसंद आई होगी। अपने मत सुझाव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।